पाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। गले में, मुंह में, आपको गालों के अंदर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे व्हाइट व्हाइट कुछ जम रहा है, व्हाइट पैचेस आ गए हैं, सफेद दाग जैसे बनने लग गए। मुंह खोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे चिकना चिकना कुछ सफेद सफेद जम रहा है और कुछ पतली पतली सी परत बनकर थूक की तरह इस तरह से जमा हुआ है। अगर इस प्रकार का संक्रमण जो होता है वो अगर थोड़ा सा है, कुछ समय का है, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये समस्या अगर आपको नियमित रूप से बनी रहती है कि आप जैसे मुंह के अंदर सफेद सफेद चिकना जमा रहता है, गालों के अंदर ऐसे पैचेस बन चुके हैं, आपके होठों के अंदर कुछ पैचेस बन चुके हैं, या आपको ऐसे लगता है कि जैसे धब्बे जैसे बन रहे हैं व्हाइट कलर के, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके लिए तुरंत ही आपको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए। ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ होती है। अगर आपके शरीर में किसी ना किसी प्रकार की कमी आ रही होती है, आपको पता नहीं चलता है और आपके मुंह के अंदर इस प्रकार का फंगल संक्रमण होने लगता है। फंगल संक्रमण को हम आज बिल्कुल सही कर देंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो सबके साथ शेयर करें ताकि किसी के काम आ सके। नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारे वीडियो मिल सके। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। गले के अंदर, गालों में, दांतों के बीच में या होठों के ऊपर कहीं पर भी इस प्रकार से सफेद सफेद जम रहा है, इसके पीछे कुछ छोटे छोटे से कारण होते हैं। सबसे पहले हम कारण जानेंगे। अगर आपको लगता है कि इन सभी कारण की वजह से आपको ये समस्या है, तो आप फिर उपाय भी उसी हिसाब से कर सके। व्यक्ति के शरीर के अंदर पित्त की प्रवृत्ति जो होती है वो बढ़ने लगती है, तो इस प्रकार से गर्मी जो होती है वो कहीं ना कहीं निकलती है और आपके मुंह के अंदर इस प्रकार का फंगल संक्रमण होने लगता है। खून की कमी भी हो सकती है। अगर आपका ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन सही नहीं बन रहा है या प्लेटलेट्स कम होने की वजह से या ज्यादा हो जाने की वजह से भी आपके शरीर में मुंह के अंदर इस प्रकार का संक्रमण दिखाई देता है। जिसके शरीर में गर्मी ज्यादा होती है, एसिडिटी बार बार बनती है, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज की शिकायत रहती है, उनको भी इस प्रकार का संक्रमण होता है। खाना खाने के बाद अगर आप मुंह की अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं, ब्रश सही ढंग से नहीं करते हैं, तो आपको इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है। इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। जब भी आपको इस प्रकार से थोड़ा सा भी अगर आपको लक्षण दिखाई दे, आप उन उपायों की तरफ जरूर बढ़े, क्योंकि अगर ये समस्या बढ़ती है तो और प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। आपके गालों के अंदर सफेद सफेद जमना बिल्कुल भी सेहत के लिए सही नहीं है। ये आगे जाकर धीरे धीरे पस के रूप में बनता जाता है और सफेद सफेद चिकनाहट भरा निकलता ही रहेगा, आपके मुंह के अंदर आता रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उसकी वजह से आपको मुंह का टेस्ट चेंज हो गया है या आपके गले के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है। आप हमेशा पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा रखें। पानी कम पीने से भी इस प्रकार की समस्याएं होने लगती है। व्यक्ति को पता नहीं चलता है, उसकी एनीमिक दिनचर्या रहती है, खाने में वो कुछ भी खाता है, सफाई सही ढंग से नहीं करता है, पानी पूरा नहीं पीता है और इस प्रकार से गर्मी निकलने लगती है। शरीर के अंदर गर्मी निकलना, कहीं ना कहीं शरीर के अंदर गर्मी निकलती है, दिखाई देती है, लेकिन मुंह के अंदर अगर गर्मी तो ऐसे संक्रमण पैदा करती है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो एसिडिटी भी अगर आपको ज्यादा बनती है, साथ में डकारे आती है, खट्टी डकारे आती है, इस तरह से जमा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में गर्मी है। आपके शरीर में गर्मी जो है वो इस प्रकार से निकल रही है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी एसिडिटी को सही करना है, गर्मी को सही करना है। उसके लिए बहुत ही अच्छे मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप उन उपायों को भी करिए ताकि गले के अंदर, मुंह के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण ना रहे। अब हम यह उपाय भी जानेंगे कि इस प्रकार से सफेद सफेद पैचेस होने लग गए हैं, दाग बनने लग गए हैं, तो उनको आप कैसे सही करें। मुंह के अंदर इस प्रकार से सफेद जम रहा है तो वो गर्मी को कम करने के लिए सबसे पहला उपाय यह है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले 5 ml जितना एलोवेरा जूस पीना शुरू करिए। अगर ताजा एलोवेरा है तो आप उसको भी खा सकते हैं या फिर उस एलोवेरा जूस को आप पीना शुरू करिए। कोई भी इसे पी सकता है, मतलब महिलाएं भी पी सकती है, बुजुर्ग भी पी सकते हैं, बड़े लोग भी पी सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। बस सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर आप पीरियड समय में चल रहे हैं तो इसको नहीं लेना है। एलोवेरा जूस पीने से एसिडिटी को आप बिल्कुल कंट्रोल कर देंगे, आपकी गर्मी कम होने लग जाएगी और आपके मुंह में इस प्रकार का संक्रमण फिर नहीं होगा। इस प्रकार से आप एलोवेरा की जो लीफ होती है उसको छील करके और उसका जो गूदा होता है उसे निकाल के जहां पर भी आपको इस प्रकार से संक्रमण दिखाई दे रहा है उस जगह पे उस लीफ को अच्छे से रगड़ दीजिए। थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए, जैसे कि आपसे जैसे अंदर जाता है उस हिसाब से आप जहां पर भी संक्रमण फैल रहा है उसे करिए। अंदर गर्मी के साथ में अगर वो किसी प्रकार का दाग के रूप में भी बनने लगा है तो वो उसको सही करेगा। बहुत ही आसान उपाय है एलोवेरा, आजकल सभी समझते हैं क्या होता है। इसका उपाय करिए, आपको काफी आराम मिलेगा।
शरीर की गर्मी को कम करेगा, दांत के निशान को सही करेगा और गले मुंह के अंदर गालों पर इस प्रकार से सफेद जमने लगा है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आप उपाय को 2 या 3 दिन करेंगे उसमें ही आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ में आप एक और उपाय और कर सकते हैं, वीट ग्रास का जूस भी आप सुबह में ले सकते हैं। आप चाहे तो एलोवेरा जूस और वीट ग्रास दोनों को साथ में मिक्स कर सकते हैं। वीट ग्रास का जूस बना बुनाया पतंजलि का भी मिलता है, आप चाहे तो दूसरा प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। गेहूं के जो हरी हरी जो घास जो उगती है उसका जूस होता है वो, जो कि आपके शरीर में एसिडिटी को कम करता है, आपके शरीर में गर्मी को कम करता है और इस प्रकार से मुंह में किसी प्रकार का संक्रमण होता है वो उसको भी तुरंत सही करता है। बहुत ही अच्छा उपाय है, इसे भी आप एलोवेरा जूस के साथ मिक्स करके लीजिए या ऐसे ही पीजिए। भूखे पेट इन दोनों को लीजिए, आपको काफी आराम मिलेगा, सफेद सफेद जमना बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपके गालों में पैचेस पड़ने लग गए हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, इस प्रकार से दाग धब्बों को आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। साथ में अगर आप खाने पीने पर ध्यान दें, पानी की मात्रा को बढ़ा दें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, हो सके तो आप पानी में जैसे कि लिक्विड चीजें ज्यादा ले, नारियल पानी ले ले, नींबू पानी ले ले, इसी प्रकार से लिक्विड का सेवन ज्यादा करना है। मौसमी को चबाकर खाएं, ये भी आपको काफी अच्छा हेल्दी फूड रहेगा, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। साथ में ही आप योगा करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा होता है अगर आपके गले और मुंह के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण होता है, इसे भी आप अपना सकते हैं। कम से कम 15 मिनट तो आप इसे कर ही सकते हैं, ऐसा करने से भी आपको काफी आराम मिलेगा। मुंह की अच्छे से क्लीनिंग करें, जब भी आप खाना खाएं कुछ भी चीज खाएं तो अपने मुंह में थोड़ा सा गर्म पानी लेकर के अच्छे से क्लीनिंग करें, कुल्ले करें। अगर नहीं हो रहा है ऐसे बिल्कुल भी तो आप थोड़ा सा अजवाइन का पानी बना लें और उस पानी से अपने मुंह को रोज धोया करें, उसी से आप कुल्ले करें। खाना खाने के बाद थोड़ा सा अजवाइन का पानी लीजिए, उस पानी से कुल्ले करिए, ताकि आपके गले के अंदर दांतों में कहीं पर भी कोई संक्रमण होता है या कुछ चिकनाहट जम चुकी होती है तो उस संक्रमण को वो सही कर सके। बहुत ही आसान उपाय है, साफ सफाई अच्छे से करें, ब्रश 2 बार करिए। इन सारे उपायों को अगर आप करेंगे तो आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। 2 या 3 दिन में आप बोलने लगेंगे कि आपका मुंह का अंदर का संक्रमण सही होने लगा। इन रोगों के लिए, मुंह के रोगों के लिए, छालों के लिए कभी भी आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इनके लिए आप जल्दी से उपायों की तरफ बढ़े और ऐसे वैसे कोई फालतू के उपाय ना किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि जैसे इंस्टेंट आपको आराम मिल जाएगा, आप इसे रात में लगाइए सुबह सही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसे सही होने में भी थोड़ा समय लगता है। एलोपैथी की दवाई के लिए आप दर्द के लिए या किसी प्रकार की दवाई का सेवन करते हैं वो आपको इंस्टेंट आराम देगी, लेकिन साइड इफेक्ट साथ में देगी। घरेलू नुस्खों को भी आप सोच समझ कर किया कीजिए, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। घरेलू नुस्खा ऐसा अपनाइए जिससे आपको आराम मिले, और ये बात बिल्कुल सही है कि उसे उपाय को करने के बाद आपको थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन जड़ से बिल्कुल सही होता है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबको समय लग सकता है, या फिर सबके हार्मोन्स, सबका जो बीपी होता है, जो सब चीज होती है शरीर की वो अलग अलग होती है। अगर आप एक ही उपाय को सबके ऊपर ट्राई करते हो तो जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर वो फिट बैठ जाए, किसी न किसी के और बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण समस्या बढ़ती है, उसे उस कारण को ढूंढ करके उसे अगर सही करता है तो वो समस्या सही हो सकती है। तो मेरे वीडियो पे आपको ऐसी चीजें मिलेगी जो आपके सारे दर्द को खत्म करेगी, सारी बीमारी को सही करेगी। हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए लेकिन आपके किसी भी प्रकार के संक्रमण को वो बिल्कुल सही करेगी। मैं अपने वीडियो में कभी ऐसे नहीं बोलती हूँ कि आप मतलब इसे अभी करिए और तुरंत आपको आराम मिलेगा, जी नहीं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसे ठीक होने में भी समय लगता है, इसीलिए घबराइए नहीं, उपायों को करें। अगर जानकारी पसंद आई है तो सबके साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि जैसे ही उपाय आप करेंगे आपको फायदा मिलेगा, तो कमेंट करके अगर आप बताएंगे तो दूसरे लोग भी उसे करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।